आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री टैबलेट योजना जो 8वीं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है। जिन जिनको फ्री टैबलेट मिलने वाला है उनकी लिस्ट आ चुके हैं, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, कैसे डाउनलोड करनी है, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। किन किन को ये टैबलेट मिलेगी, क्या इनकी योग्यता है, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या है ये PDF, इससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये एक PDF जारी की गई है, जिसमें मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, जो मेधावी विद्यार्थी हैं इनको टैबलेट वितरण योजना हेतु कक्षा 8वीं 10वीं प्रवेशिका और 12वीं, जिसमें 12वीं क्लास में कला यानी कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तथा वरिष्ठ उपाध्याय यानी कि 12th के जो स्टूडेंट हैं, संस्कृत जिनके सब्जेक्ट होता है, इनमें जिनके 2022 और 2023 के चयनित लाभार्थियों के परिणाम का सत्यापन भाव, यानी कि जो लिस्ट आई है उसको लेकर 2022 का रिजल्ट और 2023 का, जिन्होंने 2022 में 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है उनके लिए, और जिन्होंने 2023 में 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है उनके लिए ये खास वीडियो है। जिन्होंने 2024 में ये 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है उनके लिए भी विशेष सूचना आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए तो आपको ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलने जा रही है। तो इसमें 2022 और 2023 के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये लिस्ट है, और ज़िलेवार यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि किन किन ज़िलों को कितनी कितनी है जो स्टूडेंट हैं उनको टैबलेट मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये 2022 की लिस्ट आपके सामने, ये अजमेर ज़िला है 8वीं के 10वीं के, और ये प्रवेशिका 12वीं क्लास के आर्ट्स कॉमर्स साइंस और वरिष्ठ उपाध्याय, इन सभी को मिलाकर है जो अजमेर ज़िले में लगभग 1091 बच्चों को टैबलेट मिलेगा। ये 2022 से, यानी कि जिन्होंने 2023 में जो अपना एग्ज़ाम है वो पास किया है, तो उनके लिए ये आपके सामने जो दे रखी है 2022 और 2023 का जो परीक्षा परिणाम है उनके आधार पर इनको ये टैबलेट मिलेगा। तो ये अलग अलग ज़िलों के अनुसार इनकी जो पूरी लिस्ट दी गई है, ये 2023 के रिज़ल्ट को लेकर ये अलग अलग ज़िलों के अनुसार 8वीं 10वीं 12वीं हर ज़िले के अलग अलग जो इसमें स्टूडेंट की संख्या है, और ये पुराने ज़िलों को लेकर ही जो मेरिट बनाई गई है, इनकी जो 33 ज़िले थे उन्हीं के आधार पर अपनी जो इसमें लिस्ट में दी गई है। लगभग 56,000 बच्चों को, जो दोनों सालों को मिलाकर 56,000 लगभग 56,000 बच्चों को टैबलेट मिलने वाले हैं। फ्री टैबलेट बहुत ही शानदार आपको, जो बहुत ही कंपनी का टैबलेट आपको दिया जाएगा, SIG विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। अब मैं आपको लिस्ट बताता हूँ जिसमें आपके जो इसमें नाम वगैरह दिए गए हैं कि किन किन को टैबलेट मिलेगा, और ये टैबलेट की जो लिस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो ये अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है, या फिर आप अपना जो ऐप है ऐप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप क्लिक करके इस ऐप के ऊपर मैंने आपको दोनों वर्षों की 2022 और 2023 की जो PDF जिनका जो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी PDF आपको वहाँ पे डाल रखी है, वहाँ पर आप डाउनलोड करके देख लेना अपना नाम, कैसे नाम चेक करना वो भी मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए हम वो दोनों लिस्टें देख लेते हैं। देखो ये 2022 की लिस्ट है जिसमें फ्री टैबलेट योजना कक्षा 8 और क्लास वाइज आपको अलग अलग लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्री टैबलेट योजना कक्षा 8 परीक्षा वर्ष 2022 और सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी का जो नाम है वो वहाँ पे दे रखा है, ये मेरिट दे रखी है। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन जिन जिन का हुआ है उन सभी का यहाँ पे जो नाम वगैरह दे रखा है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जिन जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, जिनको फ्री टैबलेट मिलेगा, उन सभी बच्चों का इसमें नाम दे रखा है, तो आसानी से आप अपना नाम इसमें सर्च कर पाएंगे। अब 8वीं क्लास की ये लिस्ट है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि किन किन को जो 8वीं क्लास में ये टैबलेट मिलने वाला है। देखो अगर आपके ए ग्रेड बनी है सभी विषय की, अगर आपके ए ओवरऑल अगर आपके सभी विषय में ए ग्रेड है, तो आपको निश्चित रूप से टैबलेट मिलेगा, और फिर इसमें 99% तो चांस है, 99.99। लेकिन अगर आपके फिर मेरिट में आपका नंबर नहीं आता, तो फिर वो एक अलग बात है। ये आपके सभी ज़िलों के नाम दे रखा, देखो ये 2022 में ये कक्षा 8 में जो टॉपर रहा ये दिव्यांशी अहिर है, इनके पिताजी का नाम हरीश कुमार अहिर है, इनके नंबर आए थे 591 और 98.50% इनके नंबर आए। इंग्लिश में इनके 99 है, हिंदी में इनके 100 है। चित्तौड़गढ़ ज़िला इनका स्कूल का नाम भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये पूरे ज़िले की लिस्ट है, यहाँ पे पूरे राज्य की जो लिस्ट है वहाँ पे दे रखी है, अलग अलग ज़िलों का इसमें नाम दे रखा है। आपको अपना नाम जो सर्च करना है वो
सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार मिल जाएगा आपको। सर्च बार में आपको अपना नाम या फिर अपना जिले का नाम कोई भी सर्च करना है, या फिर अपने पिताजी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको सर्च कर लेना है, फिर जैसे ही इसमें आप अपना नाम डालेंगे, आपके नाम के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके ऊपर आपको येलो कलर शो हो जाएगा। तो आप ये डाउनलोड करके वो अपना नाम वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 2022 में जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनकी लिस्ट है। अभी मैं 2023 के बच्चों की लिस्ट भी आपको वहाँ पर बताता हूँ। ये 2023 के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 8वीं क्लास के, उनकी मेरिट है। ये मैं सबसे पहले मेरिट में जो पहला स्थान है वो दिव्या दादीचे, जो उनके पिताजी के नाम पंकज दादीचे, इन्होंने 595 नंबर प्राप्त किए थे 600 में से। इनके परसेंटेज है 99.17 और इंग्लिश में इनके 100 out of 100 है, 100 में से 100 नंबर है, हिंदी में इनके 99 है। जिला इनका नागौर है, स्कूल का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी का नाम इसमें दे रखा है। तो सारे बच्चों के नाम आपको इसमें मिल जाएगा, आप आराम से इसमें जो अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं। देखो PDF बहुत लंबी है, लगभग 444 पेज की PDF है। तो इसमें 8वीं के कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं आप इसमें देख सकते हैं आराम से, कि 8वीं के कितने बच्चों को 33,000 जो है वो 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनको इसमें नाम इसमें आया है। तो इन सभी बच्चों को जा रहा है इसमें मेरिट के अनुसार, इन सभी को जो आपको रोल नंबर के अनुसार इनका जो, तो इन सभी बच्चों को आराम से यहाँ पे टेबलेट मिलेगा। इनका जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उन्हीं सभी सेलेक्टेड बच्चों का इसमें नाम दिया गया है। देखो किसी के मान लो ये कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके ए एक सब्जेक्ट में, अब ये ए ग्रेड का क्या सिस्टम है वो तो आप सभी को पता ही है, जिनके 81 से 100 है वो आपके ए ग्रेड में आता है। तो ये आपके 86 ए ग्रेड वाले हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मान लो किसी एक विषय में बी ग्रेड है तो उनको भी टेबलेट मिला है। तो आपके मान लो सभी विषय में ए ग्रेड है, मान लो सभी में अच्छे नंबर आए और एक विषय में मान लो बी ग्रेड है तो आपका भी नंबर आने की पूरी संभावना है। ये शर्त है कि जैसे ये वाला स्टूडेंट है 79, 78, 76 ये बी ग्रेड है इनकी इंग्लिश में, जबकि हिंदी में इनके ए ग्रेड है। तो बाकी सभी विषय में ए ग्रेड है और किसी एक विषय में मान लो बी ग्रेड बन रही तो भी आपका चांस इसमें बनता है। ओवरऑल जिनके ए ग्रेड बन रही है उनके चांस सबसे ज़्यादा हैं आपके इसमें मेरिट में आने के। तो मेरिट में आने के अनुसार ही आपको जिसमें सिलेक्शन होगा और आपको उसमें टेबलेट दिया जाएगा। ये सभी सिलेक्टेड बच्चे हैं, आपको सभी ज़िलों के जो सिलेक्टेड बच्चे हैं इन सभी की PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। PDF और सभी क्लासों की आपको वहाँ पे PDF के रूप में दे रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये सारी PDF जो भी इस वीडियो में आपने देखी वो सभी भी आपको अपने जो ऐप है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। अपना WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आए कहाँ तो आप मेरे को लिंक नहीं मिला आपको ऐप का, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना 7568 35 00 69। जो 2024 में पास हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी जल्दी मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से सूचना देने वाला हूं कि आपको जो टैबलेट है जो कब तक मिल जाएगा, कब तक आपको जो किन किन बच्चों को टैबलेट मिलेगा, संपूर्ण जो आपकी लिस्ट है वो आपको यहां पे मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और अपडेट के लिए आप अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आप कोई भी अपडेट वो मिस ना कर पाएँ। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।